आज हम लोग देखने वाले GSTR 2A कैसे डाउनलोड करना है और उसे व्यू कैसे करते हैं जियो गवर्नमेंट पोर्टल पे। तो सबसे पहले हमें GSTGO.in ये गवर्नमेंट पोर्टल यहाँ पे जाना है, लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड डालना है। और फिर कैप्चा डालना है और रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। जिस पीरियड का GSTR 2A हम लोगों को देखना है वो फाइनेंशियल ईयर पहले सिलेक्ट करना है। फिर हम लोगों को मंथ सिलेक्ट करना है कि कौन से मंथ का GSTR 2A हम लोगों को डाउनलोड करना है या व्यू करना रहेगा। तो सबसे पहले डाउनलोड का देख लेंगे हम लोग। तो ये ऑटो ड्राफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। आपको JSON फाइल चाहिए तो आप JSON फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल फाइल चाहिए तो एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी रिक्वेस्ट किया हुआ है तो इसको 20 मिनट प्रोसेस होने को लगेगा। तब तक हम लोग ये भी देख लेते हैं कि GSTR 2A कैसे व्यू करते हैं। वापस हम लोग मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे कि ITC क्लेम जो GSTR 3B1 हम लोग दिखाया है और ITC जो हम लोगों ने परचेस किया है वो उन्होंने प्रॉपर अपडेट किया है कि नहीं। यहाँ पे आपको ITC क्रेडिट क्लेम में एंड ड्यू में आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। ये रहा यहाँ पे GSTR 3B जो हम लोगों ने क्लेम किया हुआ है ITC, और ये है मंथ वाइज यहाँ पे दिखेगा। और साइड ये फर्स्ट कॉलम जो है GSTR 3B है, सेकंड कॉलम जो है GSTR 2 है यहाँ पे। तो ये जो जिनसे हमने परचेस किया है वो जब भी उनका GSTR 1 फाइल करते हैं ना तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है वो। तो हम लोगों को मंथ वाइज चेक कर लेना है कि हम लोगों ने जो GSTR 3B में जो क्लेम किया है वो प्रॉपर है या नहीं। अगर माइनस में रहेगा तो हम लोगों ने कम क्लेम किया हुआ है, अगर ये प्लस में रहता था तो हम लोगों ने ज़्यादा क्लेम कर लिया है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका जो आपने ITC क्लेम किया हुआ है और जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है GSTR 2A में। इसमें कोई डिफरेंस रहेगा तो आपको प्रॉपर रिकन्सिलेशन करके आपके वेंडर से बात करना पड़ेगा। और अभी हम लोग देखते हैं कि वेंडर्स कैसे चेक कर लेंगे हम लोग कि जिसने प्रॉपर भरा है या नहीं। यहाँ पे वापस वहाँ पे ही आना है, वही प्रोसेस करना है, मंथ सेलेक्ट कर लेना है, ऑटो ड्राफ्ट डिटेल्स में जाना है, GSTR 2 जो है व्यू पे क्लिक करना है। ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इनवाइस चेक करना रहेगा तो B2C क्रेडिट नोट देखना रहेगा तो ये अमेंडमेंट देखना रहेगा, तो ये सारे ऐसे कॉलम हैं तो हमें हमें इनवाइस चेक करना है। तो ये इनवॉइस है जिन्होंने हम लोग का अपडेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को GST नंबर और पार्टी का नाम दिखेगा। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल के लिए एक पार्टी का देख लेता हूँ। तो इनका मेरा एक ही इनवॉइस इन्होंने रेज किया हुआ है, ये इनवॉइस नंबर है। यहाँ पे अंदर जाना है तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, परसेंटेज क्या था, मेरा टैक्सेबल वैल्यू क्या था, मेरा GST CGST SGST कितना, वो भी दिख जाएगा यहाँ पर। अगर आपको पूरा इनवॉइस देखना रहेगा तो ये जो ग्रीन में दिख रहा है ना उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये हम लोगों ने अभी देख लिया व्यू कैसे करते हैं करके। अभी हम लोग डाउनलोड का ऑप्शन देखेंगे। तो मैंने थोड़ा पॉज किया था वीडियो बीच में ताकि अपने 20 मिनट जो था वो टाइम कंप्लीट हो जाए। तो ये हो गया मेरा। तो अभी नीचे यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक किया तो डाउनलोड एक्सेल फाइल। ये एक्सेल फाइल हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ये फाइल एक्जिप में फाइल डाउनलोड होगी आपके पास, इसको अनजिप करना है आपको। और ये फाइल है आपके, ये मंथ वाइज आपको डाउनलोड करना है। जिस मंथ का आपको चाहिए वो एक एक मंथ वाइज आपको डाउनलोड करना है। जैसे अभी मैंने मार्च का लिया है तो वैसे आपको हर एक मंथ का जो जो मंथ का आपका देखना रहेगा वो आप हर एक मंथ का डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, जो हम लोग 1-to-1 देख रहे थे ना वहाँ पे, वैसे यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया, उसका टोटल इनवॉइस अमाउंट आ गया, परसेंटेज आ गया, टैक्सेबल अमाउंट और GST का अमाउंट भी आ गया और उनका स्टेटस भी आ गया। आपको ये कन्फर्म करना है और प्रोसेस करना है आगे। उसी तरह अदर कॉलम भी हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये अलग अलग टैब है तो इसमें जाके भी आप देख सकते हैं आपका डेटा प्रॉपर आया है या नहीं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।